नाभा जेल ब्रेक मामले में अब तक हुई कुल 2 गिरफ्तारियां। मास्टरमाइंड परमिंदर के साथ आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू गिरफ्तार। बड़ा सवाल, बचे 5 फरार कैदी कब आएंगे पकड़ में। नाभा जेल ब्रेक मामले में पंजाब पुलिस के डीजीपी का बयान, बोले फरार चल रहे आरोपी जल्द होंगे सलाखों के पीछे। यूपी के कैराना से पकड़े गए नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड परमिंदर उर्फ पैदा की कार पर लगी नंबर प्लेट निकली फर्जी, नंबर हिसार निवासी राजेश की बाइक का। कैथल के गांव फरल से बरामद हुई एक और लावारिस कार, गाड़ी पर पंजाब का नंबर, जांच में जुटी पुलिस। नाभा जेल ब्रेक के बाद हरियाणा में बढ़ाई गई सुरक्षा, यमुनानगर में पड़ोसी राज्यों से सटी सीमाओं पर तलाशी अभियान तेज। नाभा जेल ब्रेक के बाद जेल प्रशासन ने सीखा सबक, सीसीटीवी कैमरों को रिपेयर करवाने का काम शुरू। पुलिस की गोली से मरने वाली लड़की के परिवार को सरकार ने दिया सरकारी नौकरी का भरोसा, आश्वासन मिलने के बाद परिवार लड़की के अंतिम संस्कार के लिए हुआ राजी। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कांग्रेस का थामा हाथ, कहा सिर्फ कांग्रेस दे सकती है स्थिर सरकार, परगत सिंह भी हुए शामिल। आज चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस की नई कैंपेन, हर घर तो एक कैप्टन का आगाज करेंगे अमरिंदर सिंह, कैंपेन के जरिए पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जुटाएंगे जन समर्थन। पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त वीके सिंह आज जालंधर में लॉन्च करेंगे चुनावी पोर्टल, पोर्टल पर मिलेगी पंजाब चुनाव से जुड़ी जानकारी। एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से अलग अलग की मुलाकात, प्रकाश सिंह बादल ने कहा राष्ट्रपति से न्याय की उम्मीद। पंथक संगठनों ने फिर दोहराया इस बार हर हाल में होगा सरबत खालसा, सरकार ने रोका तो माहौल खराब हो जाएगा। टिकट ना मिलने से नाराज निहाल सिंह वाला से श्रोमणी अकाली दल विधायक राजविंदर कौर ने दिया इस्तीफा, कैबिनेट मंत्री तोता सिंह पर लगाया अपने चहेतों को टिकट दिलवाने का आरोप। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने की कैंडिडेट्स की घोषणा, चुनावों में आज नाम दाखिल करने का आखिरी दिन। बरनाला का एक टैक्सी ड्राइवर झटके में बना अरबपति, बैंक खाते में आए करीब 98 अरब रुपए, बैंक को दी जानकारी तो ले ली पासबुक और बंद कर दिया खाता, अब अपनी रकम भी निकलवाने के पड़ रहे हैं लाले। नोट बैन पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार, प्रधानमंत्री की संसद में मौजूदगी को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज के लिए स्थगित की गई थी कार्रवाई। नोटों का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आरबीआई ने दी नई ढील, आज से लीगल नोट बैंक के रूप में जितनी रकम करेंगे जमा एक हफ्ते में 24,000 के लिमिट से ज्यादा उतने रुपए निकाल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिख चुटकुलों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज, पिछली सुनवाई में एसजीपीसी, टीएसजीएमसी और याचिकाकर्ता कोर्ट में सौंप चुके हैं गाइडलाइंस। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में सांसद राजकुमार सैनी का समानता सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा समेत कई हस्तियां मौजूद, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की सांसद सैनी ने फिर उठाई आवाज। फतेहाबाद में कांग्रेस का आक्रोश प्रदर्शन, प्रधानमंत्री की नोटबंदी के फैसले का किया विरोध। अजय चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, खराब स्वास्थ्य के आधार पर एक महीने की मिली पेरोल, जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में सजा काट रहे अजय चौटाला। हिमाचल की राजधानी शिमला में गहराया पानी का संकट, एक साल बीत जाने के बावजूद नहीं हुआ है संकट का समाधान। शिमला में 3 दिवसीय आयुष मेले का राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया समापन, आयुर्वेद और इसके उत्पादों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर दिया गया जोर। पंजाब में रोपड़ में शुरू हुए 62वें नेशनल स्कूल गेम्स, देश भर के 17 राज्यों से आए 796 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा।